नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयानबाजी जारी है, जो पुलिस के पास पहुंची है एक और शिकायत। सीएम के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर चली है गलत खबर, तो इस गलत चली खबर पर कांग्रेस सख्त है। एसपी शिमला को भी इसकी शिकायत दी गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही है बयानबाजी, इसको लेकर पुलिस के पास एक और शिकायत पहुंची है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बलदेव ठाकुर ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी को शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत में उन्होंने कहा है कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की खबरें चलाई गई हैं। प्रदेश के मुखिया के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत जनता को गुमराह करने की नीयत से इन खबरों को सुनियोजित तरीके से चलाया गया। सो बलदेव ठाकुर ने शिकायत में कहा है कि एक सोशल मीडिया पोर्टल ने यह खबर चलाई कि मुख्यमंत्री इलाज के लिए विदेश जा रहे हैं, जबकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि जिन भी सोशल मीडिया पोर्टल पर यह खबर चली है उनका पता लगाया जाए। इस षड्यंत्र के पीछे कौन लोग शामिल हैं, किसने यह षड्यंत्र रचा है, इसका पता करके आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो सीएम के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर गलत खबर छपी है, जो गलत खबर चल रही है, अफवाहें फैल रही हैं, तो इसी पर जो है कांग्रेस सख्त है। सो एसपी शिमला को भी इसकी शिकायत करी हुई है। तो सोशल मीडिया पर सीएम सुक्खू के स्वास्थ्य को लेकर जो खबरें चल रही हैं कि सीएम सुक्खू जो हैं अपने इलाज के लिए, अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए विदेश जा रहे हैं, तो इस पर कांग्रेस जो कि है सख्त हुई पड़ी है। सो सीएम के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर गलत खबर चली है, जिसकी वजह से कांग्रेस सख्त है, इसकी शिकायत भी की गई है। तो एसपी शिमला को इसकी शिकायत दी गई है। पूरी जांच के भी आदेश दिए हैं कि जिस भी पोर्टल से इस खबर को साझा किया गया है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए, पूरी तरीके से जांच की जाए कि कहां से इस खबर को अपलोड किया गया है। तो सीएम सुक्खू के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के बारे में जो खबरें, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसके लिए कांग्रेस सख्त हो गई है। एसपी शिमला को जो शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। पुलिस के पास एक और शिकायत पहुंची है। लगातार इस तरह की सोशल मीडिया पर अफवाहें फैली हुई हैं सीएम सुक्खू के स्वास्थ्य को लेकर। तो इसी खबर पर कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो कामेश्वर, क्या कुछ जानकारी है, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर, लगातार वायरल हो रही है कि सीएम सुक्खू जो विदेश जा रहे हैं, सो क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में और? जी बिल्कुल, यदि बात कीजिए जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बलदेव ठाकुर ने इस संबंध में जो जिला शिमला के एसपी संजीव गांधी को शिकायत पत्र सौंपा था, उन्होंने कहा कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की खबरें चलाई जा रही है, जबकि प्रदेश के मुखिया के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत जनता को गुमराह करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो प्रदेश में इतनी अधिक आपदा आई है और 16-16 घंटे वह कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ शरारती तत्व उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने जो बीते दिन जो जिला शिमला के एसपी है वहां पर एक शिकायत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, कौन लोग है जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बदनाम कर रहे हैं। बलदेव ठाकुर ने कहा कि एक सोशल मीडिया पोर्टल ने यह खबर चलाई थी कि मुख्यमंत्री इलाज के लिए विदेश जा रहे हैं, जबकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। बलदेव ठाकुर ने पुलिस को शिकायत में कहा कि मुख्यमंत्री आपदा में बेहतर कार्य किए, लगभग देखा जाए तो रोजाना वह 16-16 घंटे जनता की समस्याओं का समाधान करने का कार्य कर रहे हैं। आपदा में किए गए कार्यों को लेकर विश्व बैंक ने भी उनकी सराहना की है। यही नहीं, जबकि जो पूर्व में मुख्यमंत्री जो कि भाजपा के मुख्यमंत्री जो कि नेता जो शांता कुमार जो कि वरिष्ठ नेता भी है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्य की सराहना की। ऐसे में जो सोशल मीडिया पर जो शरारती तत्व जानबूझ के इस तरह की खबरें चला रहे और जनता को गुमराह करे, ऐसे में इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने खासकर एसपी से आग्रह किया है कि खासकर जो ये सोशल मीडिया में जो पोर्टल में यह खबर चली थी उसका पता लगाया जाए, इस षड्यंत्र के पीछे कौन शामिल है, किसने यह षड्यंत्र रचा, इसका पता करके आरोपियों को सख्त कार्रवाई की जाए।
जी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कांग्रेस के जो नेता है कार्यकर्ता वो भी इसमें रोष है जिस तरीके से ये अफवाहें फैलाई जा रही है। जी शिकायत के बाद फिर एसपी शिमला की तरफ से क्या कुछ कहा गया, किस तरीके से कार्रवाई जो की जा रही है? जी बिल्कुल, एसपी संजीव गांधी ने पूरा आश्वासन दिया है कि जो ये पोर्टल है उसकी छानबीन की जाएगी। वहीं उन्होंने जो साइबर जो तकनीकी वाले पुलिस कर्मचारी उनसे से संपर्क साधा और कहा कि जल्द से जल्द जो जिस मीडिया कर्मी खासकर जो पोर्टल ने यह खबर चलाई उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही इसकी छानबीन शुरू कर दी गई है फिलहाल। जी कामेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।